एक देश और एक चुनाव, इसकी तैयारी पूरी है। कल कैबिनेट ने इसको पास कर दिया और शीघ्र ही पार्लियामेंट भी इसको पास कर देगी। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, एक आम भारत की नागरिक हूँ। मुझे लगता है ऐसा होने पर बार बार होने वाले चुनावों से जनता को मुक्ति होगी। यदि ऐसा होता है तो हमारे प्रशासन को जनहित के अन्य मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। अभी तो साल भर किसी न किसी हिस्से में देश के चुनाव की बीन बजती रहती है। देश के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसमें भी बहुत खर्च होता है। बस अब राजनीतिक दलों को थोड़ी फुर्सत निकाल कर देश हित को सर्वोपरि मानकर विचार करना चाहिए। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में ये सब संभव है कि पंचायती, विधानसभा, लोकसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है। दीर्घकालिक हित में अल्पकालिक स्वार्थ त्यागना चाहिए और सभी को अपना पूरा योगदान देना चाहिए। हमारा चुनाव आयोग एकदम सक्षम है और वो ये कार्य करवा सकता है। हाँ, पहली बार कुछ विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना पड़ेगा, कुछ विधानसभाओं का समय बढ़ाना पड़ेगा। ये कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारा विशाल लोकतंत्र बहुत अनुभवी हो गया है। ऐसा होने पर जहाँ राजनीतिक विमर्श बदलेगा, वहीं दीर्घकालिक देश हित की नीतियाँ को बल मिलेगा। और मैं सोचती हूँ कि राजनीतिक कटुता बहुत कम होगी, खर्चीले चुनाव से मुक्ति मिलेगी और जो अधिकारी लोग हैं उनको लोकहित के कार्यों में अधिक समय वो दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि बहुत मात्रा में मनी का बचाव होगा और उसको उपयोगी कार्यों में फ्यूचर में लगाया जा सकेगा। राजनीतिक दल सकारात्मक राजनीति कर पाएंगे। एक देश एक चुनाव की स्थिति में राजनीतिक दल सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे, जिससे कि अंततः जमीनी कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ेगा। आइए सकारात्मक सोच अपनाएं और सकारात्मक दिशा में देश अपना निर्णय लें।